माय किचन में और अब हम क्योंकि शाम को अभी की सिस्टर्स यानी मेरी नंदे भी आने वाली हैं तो दोपहर को आ जाएंगी तो उनके लिए भी अब तैयारी करनी है। क्या पता लंच करेंगे या डिनर करेंगे वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे, पर मेरी आदत है सुबह सुबह अपना काम ख़त्म कर देने की तो ताकि मैं उन लोगों के साथ बैठ कर बातें कर पाऊँ। तो इसलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाने हैं जो कि मैंने फ्राई कर लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मिक्स वेजिटेबल सब फ्राई करके मैंने इसमें प्राप्त में रख दिया है, अब बस इसको एक तड़का लगाना ही बाकी है ना। तो उसके बाद अब मैंने बहुत सारे प्याज निकाल लिए हैं तो अब मैं एक तो मिक्स वेजिटेबल के लिए तड़का लगाने वाली हूँ और दूसरा मैं या तो मैं रात का टाइम में पहले सोचा था कढ़ी बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि दाल ही बना लूँगी और एक पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। तो ये अपना आज मेन्यू रहेगा। तो फिलहाल ऐसा है कि हम शाही पनीर की तैयारी कर रहे हैं और दाल की ना उसकी मिक्स वेजिटेबल का तड़का लगाएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 8:30, तो एक बार मैं सिर्फ मसाला तैयार करूँगी और मसाला तैयार करके मेरे को जो मेरे भाई हैं उनको राखी बांधनी होती है, मैं वहाँ जाकर राखी बांध के आऊँगी कपड़े चेंज करके और उसके बाद फिर हम आकर अपना काम करेंगे। आज मैं पहनने वाली हूँ मेरी ये न्यू ड्रेस और मैं पहनती हूँ और दिखाती हूँ मैं कैस लग रही हूँ। देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने पहना है ये पूरा एक लॉन्ग कम टाइप का कॉटन का, गर्मी बहुत है, बहुत सारी बैंगल्स पहनी हैं और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अब हम चलते हैं राखी बांधने। चलो सबसे पहले ठाकुर जी को राखी बांध देते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना जो जो क्या भद्रा क्या कुछ और, अगर ठाकुर जी को पहले राखी बांध दी ना फिर कुछ गलत नहीं होगा, भी गलत नहीं होगा। तो चले ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हैं, उनको पहले राखी बांधते हैं उसके बाद बाकी सबको बांधते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं राखी पहनने के बाद। तरह फटाफट से तैयार हो रही है, नहा रही है क्योंकि उसे भी जाना है, उसने मुझे तैयार करा दिया बिल्कुल ही। मैं तो बिल्कुल तैयार थी, अभी 9:45 हुआ, ऐसे भी मेरा टारगेट 9 का ही था कि 9 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो अभी फटाफट से करते हैं तरह को तैयार और फिर मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे राखी बांधते हैं। भाई जितनी देर तरह तैयार हो रही है उतनी देर हम लोग करते हैं अपना शाही पनीर की तैयारी, जिसके अंदर थोड़ा रिफाइन डालना है कढ़ाई में और क्योंकि मेरे घर में बनने वाला है 15-16 लोगों का खाना तो मैंने उसके अंदर लिए हैं ये 3 इलायचियाँ और लिया है इतना समझ लीजिए तेज पत्ता लिया मैंने, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें ले ली और उसके साथ में हमने ये दालचीनी और ये हमने इसके 2 लीव्स ले लिए हैं तेजपत्ता के और ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा ले लिया है जीरा। तो मैंने बड़ी इलायची नहीं डाली है क्योंकि वैसे इतनी गर्मी है तो मैंने उसकी वजह से छोटी इलायची डाली है। तो पहले हम लोग कढ़ाई में ये सब चीज़ें डालेंगे तो उसके साथ साथ हम ये जो प्याज हमने मोटे मोटे काटे थे और अदरक काटा था वो डाल देंगे। तो इसको फ्राई होने देंगे तो जब तक ये फ्राई होता है हम लोग टमाटर के भी मोटे मोटे पीसेस काट लेंगे और हरी मिर्ची के भी मोटे पीसेस काट लेंगे। तो मैं हरी मिर्ची मैंने वॉश कर रखी है ऑलरेडी तो मैं इसको यहीं पे ही मोटा पीसेस काट के इसके अंदर डाल दिया मैंने ना, इतने ये थोड़ा सा हो जाए प्याज थोड़े से रेड, ज़्यादा नहीं इनको वो करना, बस थोड़े से हो जाए सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर जो कि मैं अभी काट रही हूँ और मैं अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रख रही हूँ
क्योंकि मेरे वाइट कपड़े हैं, ख़राब ना हो जाए, उनके ऊपर कोई छीटा ना पड़ जाए। तो प्याज हमारे हो गए हैं सोटे जितने हमें चाहिए थे, मतलब ये देखिए ये इस तरह से इतना ही सॉफ्ट चाहिए था हमें ना। इसके अंदर फिर डाल देने हैं हमने टमाटर, तो टमाटर भी अच्छे खासे डालने हैं ताकि टमाटर की प्यूरी अच्छी लगती है इसके अंदर, है ना। तो ये भी डालते हैं, थोड़ा सा ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो जितनी देर हमारा ये तैयार हो रहा है मसाला, उतनी देर हम और प्याज काट लेते हैं, ये जो हम मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे ना उसके लिए। तो मिक्स वेजिटेबल में हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने फ्राई तो कर ही लिए, पहले हम करेंगे बाद में क्योंकि देर हो रही है बहुत। अब तारा बस राखी पहना रही है ठाकुर जी को और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं बस ना। तो तारा ने ठाकुर जी को राखी पहना दी है, मीठा खिला दिया है और चलो चले। तो सबसे पहले राखी बांधी मेरे सबसे बड़े भैया जो कि मेरे ताया जी के बेटे हैं उनके घर। वो हमेशा मेरा वेट करते हैं राखी की, जब मैं आऊँ तो मैं राखी पहनाऊँ, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही वहीं जाके राखी बांधी जाए, और ये हमारे सबसे बड़े भैया हैं। फिर उसके बाद मैं गई, मेरा एक और भाई है सोनू उसके यहाँ, तो उसको वो भी पूरी वेट कर रहा था मेरी, उसकी वाइफ ने जाना था लेकिन जब तक मुझसे राखी नहीं बंधवाती तो ये जाते ही नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही हैं। तो इन दोनों ने मेरी वेट करी हुई थी और फिर अच्छे से दोनों ने राखी मुझसे बंधवाई, और फिर उसके बाद इन लोगों का प्लान बना कि ये लोग अब निकलेंगे। तो दोनों ने बहुत प्यार से स्वागत किया। फिर ये मेरे भाई है, तो ये भाई भाभी भी मेरे बहुत प्यारे हैं, तो इन दोनों ने भी मेरा वेट किया हुआ था। ये भी कुछ नहीं खाते जब तक कि कोई भी बहन आके राखी ना बंधवा ले, मतलब बांध दे। तो फिर जब मैंने राखी बांध दी उसके बाद ही भाई भाभी ने कुछ खाया, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ आंटी ने बहुत अच्छे भजन भी सुनाए। तो आ गए हैं हम वापस और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं भाई, मैं अपने इजी लुक में आ गई हूँ क्योंकि अब खाना बनाना काम बहुत सारा है। तो मैंने मिक्स जो वेजिटेबल है उसका मसाला तैयार कर लिया था, और उसके अंदर मैंने अभी इस तरह से सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, देखिए इस तरह से, और बहुत यम्मी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी। और इसके अंदर जो मैंने बताया था कि मैं अचार का मसाला और चटनी जो ये अभी लेकर आए थे ना लहसुन की, तो ये वाली चटनी मैंने इसके अंदर डाली है, तो लहसुन दूसरा नहीं डाला। तो अभी इस तरह से ये तैयार हो गई है, तो अभी से थोड़ी देर मैं ढक के रख देने वाली हूँ सिम आंच पर, तब तक के लिए मैं दूसरी सब्जी है जो शाही पनीर वो हम बनाएंगे। तो चलो बोलती सब्जी ना बाद में बना लेना, पहले नेल्स ही करवा दो। तो अब तो इधर आई है तो उसका ये फायदा तो उठाया जाए नेल्स कराने। इस बार मैं ना एक्सटेंशन नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ ना अपने नेल्स पर ही करवा रही हूँ। ओके, फाइनली मेरे हाथों पे लग गई है नेल पेंट, दिखा तो दो। और आपकी दोस्त विभूति के हाथों में हमने किया है आज क्रोम, हमने तो क्या तरु ने किया है आइडिया मेरा था। अब अभी भी उठे हैं, उनको चाय पीनी है, तो चाय मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, दूसरी तरफ हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। तो कढ़ाई में थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, और जो हमारी पनीर है उसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है। तो रुकिए, तो पनीर कट कर लिया है और उसके अंदर हमने पनीर का रखा ये साइज़, और इसके अंदर नमक और वो क्या आया, ये धरू ने हमारे लिए ना सरप्राइज़ कुछ मंगवाया हुआ है, तो वो आ गया है, तो हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये पनीर को इस तरह से, इसके अंदर हमने नमक मिर्च और नींबू डालकर इस तरह से इसको 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसे क्या होगा, ये मैंने अभी फिलहाल 1 किलो पनीर लिया है क्योंकि गेस्ट आने हैं ना ज़्यादा, तो इससे क्या होता है अगर नमक वगैरह पहले डाल लेना तो इसके अंदर वो एक अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है फिर ना, तो डाल लेना चाहिए नमक मिर्च। और वही तरह की सरप्राइज़ कुछ आ गया है हमारे को, वो सरप्राइज़ राखी ध्रुव को पहनाने वाली है। तो ये आ रही है तरह, पहना रही है राखी, क्या लेकर आई है तरह,
जरा क्या लाई है राखी में, देखो जरा। वाओ, ये क्या क्या है मुझे बता भी दे। जेमस्टोन्स तो हैं, पर कौन कौन से हैं? ये गुस्से के लिए, ज्यादा सोचने वाले के लिए, ये लक एंड प्रॉस्पेरिटी, ये टेंशन। मेरे लिए कौन सा? ये मेरे को टेंशन होती नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लक एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए। लग जाइए लगा दिया मेरे फोन में। शिव को देखो कैसे देख रहा है इसको। शिरो को भी लगा दे। हाँ पहले ध्रुव तो नहीं, नहीं पहले ध्रुव लगा दिया। ये लो पहना, राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड, राइट पे डाल। इस तरह से इसके अंदर सारे पनीर डालते जाएंगे और ये इतना फट भी आएंगे। तो ये जो बचा हुआ तेल था ना, जो आलू हमने फ्राई किया उसके अंदर ये डाल दिया हमने मसाला। ये वो मसाला है जो हमने अभी पहले तैयार किया था ना, पहले प्याज फ्राई किए थे और टमाटर फ्राई किए थे ना उसमें दालचीनी वगैरह डाल के, ये वो वाला मसाला है। तो है हमारा मसाला तैयार, ये वाइट ग्रेवी वाली शाही पनीर बनने वाला है, जिसको वाइट ग्रेवी वाला होगा वो बनता है। अभी हमने डाल दिया पनीर और बहुत सुंदर कलर आया है और ये तैयार है। इसमें बना दिया पनीर राइस और ये है अपनी दाल और ये है शाही पनीर। शाही पनीर ना मैंने दो में रख दिया है ताकि माइक्रो में ना उसी वक्त अपा गर्म कर लें। और ये है मिक्स वेज, तो ये भी उस वक्त माइक्रो में गर्म करेंगे। तो सब तैयार है फिलहाल, तो रायता अपना फ्रिज में है और सैलेड फ्रिज में है। तो सब कुछ तैयार है, अब उन्हीं के आने की वेट है, अभी तक आए नहीं है। मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ, घर भी ठीक कर लिया, एक बार सफाई भी कर ली है सारी। तो सब कुछ तैयार है, बस अब वो आए तो फिर सबको खाना खिलाएं, राखी वगैरह बांधे और चल कर। आपको आज मैं उन सब से मिलवाने वाली हूँ, उनकी वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने खाना वगैरह लगा दिया है, अंदर किचन में भी गर्म हो रहा है और अभी रुको, इनके लिए सरप्राइज है। सर इसको बाहर तो ये मेरे घर के सारे बहने आ गई है, लेट लतीफ, ये देख लो सारे। और शिव सबसे पहले इनका वेलकम कर रहा है, आजो 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 सारे आजो। हाय, ये हमारे जीजू आ रहे हैं, आ जाओ जीजू, चल से बाहर बांधा, बाहर बांधा, बाहर बांधा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से यार, मेरी वीडियो चल रही है। ये आ गई हमारी दी, जिया जी कहाँ हैं? जिया जी कहाँ हैं? जिया जी नहीं आए, पूरा इधर नहीं, इधर मुकर मैं तो शायद इधर मैं ऐसे से रुक गया, पूरा पंडित हो गया मैं। हमारी घर के छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, राखी बांधने बंद कर दी। गुनु से हाय, हाँ बेटा आओ, बच्चा जल्दी आओ, मैं बांधू चाहिए, शर्म नहीं आती, हाय शर्म नहीं आती, गुड्डा से हाय, बस कर मेरे को बनाने दे। तरु सबको तंग कर रही है। तो फाइनली अब
सब चले गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और टाइम 11:30 हो गए हैं। लेकिन चाहे कितना भी थक गई हूँ, चाहे खुश भी है, बट मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो होप ये त्यौहार आते रहें और सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते रहें। तो इट वॉज माई बेस्ट डे, बहुत अच्छा दिन था। लेकिन अब ये है कि सुबह मेरी 4:20 की बस है, मुझे जाना है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से भाई मुझे लेने आ जाएगा और फिर मैं आपको वहाँ सब दिखाऊंगी। अब तो फिलहाल के लिए अभी सोते हैं, गुड नाइट, बाय।